प्रणाम सचिव प्रताप, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटा सा अच्छा विधा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस में कुछ जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि होंगे हमारे ज्योग्राफी से, भारत के भौगोलिक स्थिति से। हम क्वेश्चन को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को छूट ना जाए। और उसके साथ साथ हम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस बिहार पुलिस के सेशन को। बाकी लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। हम थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं, तो विदिन टुडे तक हो गया ना, तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जो है कि भारत वो है, वो कहाँ स्थिति उसका कैसा है। तो भारत है वो एशिया के, भारत है जो एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत है जो एशिया के एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एंड भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ से फैक्ट, हमको फैक्ट की चीज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है। तो भारत का क्षेत्रफल कितनी है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,263, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब कई बार एग्जाम में ये पूछती है कि भारत का जो पूर्व, भारत का जो उत्तर है यानी नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है, और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है। तो भारत से जो नॉर्थ, आपका जो नॉर्थ है और आपका जो साउथ है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और भारत में जो आपका ईस्ट है और जो वेस्ट है, उसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। और अगर मैं बात करें तो पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड इतिहास में आपका जो भारत का जो एरिया है, वो पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। मतलब 2.4% पूरे वर्ल्ड की एरिया का इंडिया सिर्फ है, 2.4%, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया की अगर हम बात करें, तो भारत जो है वो 7वें नंबर पर आती है। एरिया के मामले में भारत 7वें नंबर पर आती है। मतलब इसके पहले 6 देश आती है, जो कि इंडिया से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। सबसे पहले आती है हमारी रूस, जिसकी राजधानी हमारी है मॉस्को। 2nd नंबर पर आती है हमारे कनाडा, कनाडा 2nd नंबर पर आती है, जिसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। 3rd नंबर पर आती है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। 4th नंबर पर आती है ब्राजील, ओ सॉरी, 4th नंबर पर आती है चीन, जिसकी राजधानी है मॉस्को। 5वें नंबर पर आती है हमारे जगह के ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। और 4th नंबर पर, और 6th नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। और 7वां नंबर पर आती है हमारा प्यारा इंडिया, जिसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 2nd नंबर पर आती है। 1st नंबर पर आपकी पॉपुलेशन के मामले में चीन आती है। इसलिए ज्यादा पॉपुलेशन ना हो तो ज्यादा ही अच्छा रहे, बट ऐसा कहना मुझे खराब तो नहीं लगता। बट अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के लिए वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडिया पॉपुलेशन के मामले में टॉप 1 पर होगा। हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है, भारत में मैदानी एरिया जो है वो कितना है, आपका जो पर्वत वाले एरिया है वो कितनी है, आपका जो पठार वाले एरिया है वो कितनी है। तो भारत में पर्वत यानी पहाड़ वाले एरिया आपका कितनी है? तो पर्वत पहाड़ वाले एरिया आपका जो है वो 29.3% है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। पर्वत और पहाड़ वाला एरिया जो है, जो आपका ई साइड वाले एरिया है, पर्वत और पहाड़ वाले एरिया आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आती है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाती है आपका आंध्र प्रदेश, ये कुछ कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से भी है। तो 29.3% में इंडिया के भूभाग पर आपका पर्वत और पहाड़ वाला एरिया है। अगर मैं बात करूँ कि मैदान वाला एरिया, तो मैदान वाला एरिया कुछ कुछ डिपेक्ट करने के लिए मैंने कुछ ऐसे दे रखा, जो कि मैदान वाला एरिया आपका ये कुछ मैदान वाला एरिया। और मैदान वाला एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा यानी 43% भाग मैदानी एरिया।
और अगर हम बात करें कि पठार की, इंडिया में पठार कितनी एरिया पर है, तो इंडिया में पठार वाले एरिया पर 27.7 यानी 27.7% भाग पर आपका जो है वो पठार है। भारत में 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। भारत के ईस्ट वाले एरिया को, मतलब यहाँ से एरिया वाले को हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से उसको जानते हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं आपके, आपका आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और ये कुछ आती है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कुछ इस तरह से है। तो थ्योरी पार्ट हम लोगों को लगभग कंप्लीट होती है। अब हम इसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत सातवां नंबर पर आती है। इससे पहले 6 देश आते हैं, आपका आते हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है मॉस्को और ओटावा, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग, ब्राजीलिया और कैनबरा। तो आप इसको ध्यान रखिए। सेकंड, भारत की क्षेत्रफल कितना है ये भी आप बना लोगे। भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण आपकी जो लंबाई है वो आपका कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, राइट आंसर आपकी हो जाएगी। सेकेंड नंबर जो आपकी क्वेश्चन आती है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका 2933 किलोमीटर हो जाती है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? अच्छा, मेघालय आपका है, पश्चिम बंगाल आपका नहीं है, अरुणाचल प्रदेश आपका है, त्रिपुरा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गोंडवाना। गोंडवाना कहा जाता था पहले जो हमारे उपमहाद्वीप मूलतः भूखंड का जो भाग था उसको क्या कहा जाता था? गोंडवाना कहा जाता था। हमारे क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा जो दक्षिण पूरब हो जाएगा, उत्तरी पश्चिम हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, उत्तरी है और पूर्वी है, तो उत्तरी पूर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों जो है वो आपका जो भारत को खोजने का श्रेय जाता है। भारत भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना पॉइंट है, कितना प्रतिशत है? 2.2% कितना आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में? 2.4% है आपका। 2.4 ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर आपके हो। संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार? पर्वत और पहाड़ी 29.3% पर था, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। संपूर्ण भारत में कितने भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27.7% पर, और 43% पर आपकी कौन है? मैदान वाला एरिया। संपूर्ण देखो यहाँ पर दिया हुआ है 43%। उसके बाद जो है जो अब हमारे थ्योरी सेक्शन का,
अब हमारे कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है ये कहती है कि हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, एंड ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की स्थिति। आप देखिए, भारत की स्थिति के बारे में बात करने से पहले है कि भारत जो है वो अक्षांश और देशांतर रेखा, ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा मतलब होती है कि लैटिट्यूड होती है और लॉन्गिट्यूड होती है, लैटिट्यूड होती है और लॉन्गिट्यूड होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड तो है ही नहीं यार, लॉन्गिट्यूड कहाँ, लॉन्गिट्यूड ये रहा। तो ये एक खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के अलग अलग जगहों को डिपेक्ट करती है। तो हम चलिए इसको देखते हैं। अक्षांश रेखा जो आपकी है वो भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। ये आपकी उत्तरी ध्रुव है, आपका ग्लोब जो होती है उसके ऊपर में होती है उत्तरी ध्रुव होती है यानी नॉर्थ पोल, और आपका नीचे में जो होती है वो साउथ पोल होती है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है, और इधर जो होती है आपकी पश्चिमी, और ये जो इधर होता है पूर्वी। यहाँ पे बीच में सेंटर में भूमध्य रेखा होती है यानी इक्वेटर होती है, बीच से जो गुजरती है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो जो आपका जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है वो भारत के या फिर ग्लोब को या फिर पूरे वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड कर देती है। तो भारत जो है वो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे नीचे निचली गोलार्ध है। तो आपका जो इक्वेटर जो है वो क्या करती है, भारत को दो भागों में बांट देती है। एंड थोड़ा सा आप ये देखो, अच्छा ये रहा, ये आपका देशांतर रेखा है जो उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ध्रुव है, जो कि कुछ इस तरह से मतलब पैरेलल क्या कहते हैं इसको खींची गई है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले मिलाने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड कहते हैं यानी देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत जो आपका पड़ता है वो ऊपर में पड़ता है, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और आपका ई साइड में यहाँ पे पड़ता है, ई साइड में पड़ता है, इसका मतलब है कि वो उत्तरी पूर्वी में पड़ता है। भारत जो है वो आपका उत्तरी पूर्व में पड़ता है। तो भारत के मुख्य भूमि जो है वो आपका जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अक्षांश और 68 डिग्री 6 मिनट यहाँ लिखा हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और कितना है आपकी 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका जो है भारत वो है वो कितने कितने मिनट में फैला हुआ है। तो भारत का जो नीचे वाला जो एरिया है यानी नॉर्थ वाला जो एरिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर में आपका है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत आपका पूरी तरह से फैला हुआ है। आप भी थोड़े से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्रीनविच टाइम जो आपकी होती है, GMT जो होती है दुनिया में, ग्रीनविच मेन टाइम जो होती है, हाँ ये रहा आपका, अगर दिख रहा होगा तो दुनिया में ग्रीनविच टाइम के साथ मतलब जो होती है GMT जो होती है ना, तो उसी का पूरे पूरे दुनिया में GMT के अनुसार ही समय का आकलन किया जाता है, मतलब समय को मिलाया जाता है। GMT का मतलब होती है
जीएमटी का अब बोलोगे जीएमटी का मतलब क्या होता है, जीएमटी का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घुमा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के जो उसका जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं जीएमटी। लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जीएमटी कहते हैं। मतलब पृथ्वी अपने एक एक बार घूमने में कितनी टाइम ले रहा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पृथ्वी जो है वो एक देशांतर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, एक देशांतर रोटेट करने में कितना लेता है, 4 मिनट लेता है। इसका मतलब है कि 360 आपका जो 360 डिग्री घूमेगा पूरा का पूरा, तो 360 डिग्री पूरा घूमेगा, 360 ही घूमेगा। तो 360 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 6 चौ 24 और 4 3 के 12 और 1 14, यानी 1440 मिनट आपका आएगा, 1440 मिनट आपका आएगा। यानी अगर 1440 को अगर हम 1440 को अगर हम चौदह सौ चालीस मिनट है, 1440 मिनट अगर है, और अगर हम इसको घंटा में बदलना चाहते हैं तो 60 से इसको क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, 0 से 0 और 6 दुनी के 12 13 14 2 3 6 चौके 24, यानी ओनली ऑन ओवरऑल हमारे 24 घंटा आया। यानी पूरा अपने पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाता है, 24 घंटा लगाता है, यानी 1440 मिनट लगाती है। 1440 मिनट कैसे लगाती है, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगती है, एक देशांतर पृथ्वी रोटेट करने में 4 मिनट लगाती है, यानी 4 मिनट लगाती है। इसका मतलब 360 डिग्री घूमती है, 360 देशांतर घूमती है, तो 360 से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आती है, 1440 को 60 से जब भागा दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो कुछ इस तरह से होती है ये, और जैसे कि आप देख सकते हो ये 10 पश्चिमी है, और कुछ इस तरह से आपका ग्रीन बीच टाइम, इसी के अनुसार आपका पूरा टाइम टेबल मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो भारत का जो टाइम जो नपाता है वो कहाँ से नपाता है, आपका 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, आपका जो है पूर्वी देशांतर से क्या होता है, भारत का समय के आकलन को किया जाता है, भारत के टाइम को मैच किया जाता है। भारत में 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग कर समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीन बीच टाइम से 5 घंटा आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, जहाँ से हम लोग इंडियन वाले टाइम को मिलाते हैं, अप डाउन करते हैं, वो ग्रीन बीच टाइम से, मतलब जहाँ से मेन टाइम मिलाया जाता है, जहाँ से मतलब उसको ठीक ठाक किया जाता है, ग्रीन बीच टाइम जो होती है उसको से 2.5 डिग्री है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीन बीच टाइम से क्या है, 5 घंटा आगे है। मतलब 5 घंटा आगे, कैसे आगे है चलिए हम देखते हैं। भारत जो है 85.5 डिग्री क्या है, आगे है, यहाँ से आप देख सकते हैं 85.5 डिग्री क्या है, हमारे आगे। और पूर्वी देशांतर, और एक देशांतर में कितनी होती है, 4 होती है, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, लगभग 4 दुनी के 8 और 4 दुनी के 8, 4 दुनी के 8 और 8 चौके 32, यानी 328 और आधा, यानी लगभग 330 होती है आपकी, लगभग होती है आपका 330 मिनट होती है। और 330 मिनट को जब आप 60 से भाग दोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 60 से भाग दोगे तो 0 0 और कितना आएगा, आपका आ जाएगा 60 से भाग देंगे तो जा करके 3 से मान लो 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3,
यानी 11/2 आ जाती है, यानी लगभग 11/2 आ जाती है। तो 0.60 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, लगभग यानी लगभग 11/2 आ जाती है। तो 11/2 को अगर भागा देते हैं तो 5 × 10 और आधार आ जाती है, 5 × 10 1/2 आ जाती है लगभग, यानी 5 घंटा 30 मिनट लगभग लगती है। और मैंने क्या आपको बताया कि 5 घंटा 30 मिनट जो है वो भारत जो है वो ग्रीन बीच टाइम से 5 घंटा क्या है आगे आपका। अब यहाँ से तो आप यहाँ से समझिए कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीन बीच टाइम से 5 घंटा आगे है, और एक एक देशांतर में 4 मिनट होती है, यानी 82 डिग्री में हो जाएगा लगभग 330 हो जाएगी, और 330 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट लगभग आपको आ जाएगा। अब जो बात आती है कि जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के किस किस राज्य से गुजरती है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 4-5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन गुजरती है, सबसे पहले आपका यूपी आ जाती है, यूपी से गुजरती है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाती है, उसके बाद आपका आ जाती है छत्तीसगढ़ आ जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाती है आंध्र प्रदेश आ जाती है, और एक और आती है उड़ीसा आ जाती है। 5 राज्य से होते करते यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है आपका जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। आप जैसे कि आपको पता है कि इक्वेटर जो आपका है कुछ या ये है, ये आपकी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, इसे 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 23 1/2 उत्तरी अक्षांश पर कौन सा रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23 डिग्री नीचे जो आपका है दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी ध्रुव में 23 1/2 वो क्या है, वहां पे मकर रेखा, मकर रेखा। यहाँ पे आप समझ गए, 23 डिग्री जो इक्वेटर से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आपका कर्क रेखा है जो कि भारत से गुजरती है। अच्छा हाँ, कर्क रेखा जो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको ध्यान रखना होगा, 23 डिग्री ऊपर में गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है, और 23 डिग्री जो नीचे है मतलब दक्षिणी ध्रुव में है वो आपका मकर रेखा कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत से ये गुजरती है, भारत के कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, और भारत के पूछता है कि भारत के कौन कौन से निम्नलिखित, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मतलब हाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किस किस से गुजरती है ये हम याद रखते हैं। तो कर्क रेखा किससे किससे गुजरती है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कर्क रेखा आपको गुजरती है, सबसे पहले तो गुजरती है आपका गुजरात से गुजरती है, दूसरा आपका राजस्थान, कर्क रेखा यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। कर्क रेखा आपका कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपका गुजरात से गुजरती है, उसके बाद में आपका राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके बाद में आपका झारखंड से गुजरती है, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उसके बाद में आपका त्रिपुरा से गुजरती है, उसके बाद में आपका मिजोरम से गुजरती है। मिजोरम में अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मिजोरम से गुजरती है कि MIZORA मिजोरम लिखा था, यानी जेड जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है, यानी सबसे लास्ट में मिलने वाला है जो त्रिपुरा और मिजोरम है, इसलिए आप मिजोरम को ध्यान रखिएगा, मिजोरम को भूलना नहीं है, मैं ये कहता हूँ। पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर्क रेखा से कुछ इस तरह से गुजरती है जो कि कुछ इस तरह से रहती है, आपको पता ही है ये मिजोरम से गुजरती है एंड त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कुछ इस तरह से गुजरती है। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, भारत के मुख भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है आपका, तो भारत के मुख भूमि की दक्षिणी सीमा मैंने आपको बताया था कि
कि भारत के मुख्य भूमि की दर्शनी सीमा जो आपका जो हो जाती है वो कितना हो जाती है, आपका जो भारत के मुख्य भूमि की दर्शनी सीमा जो हो जाती है वो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाती है। दर्शनी सीमा तो यही है ना, तो राइट आंसर आपकी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आ जाती है पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आ जाती है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, 8 अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार, पूछ ये वाला पूछ रहा मतलब। तो अक्षांशीय विस्तार देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था कि अक्षांशीय विस्तार ये है, अक्षांशीय विस्तार ये और ये है। तो ये लिख रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या निम्नलिखित से कौन सही है नहीं। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 है, ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर कुछ ऐसे होगा, ये देखिए आपका ये रहा सिक्किम, ये रहा सिक्किम और कुछ ये इस तरह से गुजरती है, आपका ये हो जाता है सिक्किम वाला। ऊपर में पंजाब हिमाचल प्रदेश तो आपका रह ही जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कौन, आपका राजस्थान आ जाएगा, तो आपका राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ गुजरात, 2 में दिया हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो आपका एक पहला नंबर ऑप्शन है 1 2 4, यानी एक गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड। क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 4, 1 में गुजरात है, 2 में छत्तीसगढ़ है और 4 में झारखंड है। तो गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और आपका जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो सही है। फिर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश तो गुजरती नहीं है, 3 जिसमें है उसमें तो नहीं गुजरती है, तो हमारे एक द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से गुजरती है, हाँ त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, इनमें से सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किसके किसके से गुजरती है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपका झारखंड आ जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, 23.5 डिग्री हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में आपको कौन सा स्थित है, आपका ऑप्शन देखते हैं, झारखंड,
झारखंड में हूँ। आपका जो झारखंड तो नहीं होगा ना, मणिपुर तो मणिपुर नहीं, मिजोरम मिजोरम भी नहीं, त्रिपुरा नहीं, झारखंड नहीं, मणिपुर नहीं, चारों में से कोई ना कोई तो होगा ना। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जब भारतीय मानक समय पर अर्ध अर्धरात्रि है, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, उस स्थान की उस स्थान की स्थिति जिससे जिस देशांतर पर उबा है क्या है हमारे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। कह रहा कि जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, इसका मतलब है कि इसका मतलब कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, इसका मतलब यहाँ पहले आपको अगर दिख रहा होगा तो ये ग्रीनविच देशांतर, इसको मिटा देते हैं। यानी इसका मतलब है कि वो 82 साढ़े 82 डिग्री का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ था? 82.5 डिग्री का मान वो दिया हुआ था आपका। करें कि जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, मतलब आधा रात है, आधा रात का मतलब होती है कि वो 12 बज रहा है, मतलब 82.5 डिग्री का मान दिया हुआ है, वो 12:30 बज रहा है, मतलब उस टाइम। और फिर कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, उस स्थान पर स्थिति जिस देशांतर पर है वह क्या है? इसका मतलब है कि वो सुबह के 6 बजने के लिए बोल रहा, और मानक समय जो है वो वहां पे 12 बज रहा है। इन दोनों में अंतर कितना का? 6 घंटा का। 1 घंटा में कितनी मिनट हो? 6 घंटा का, 6 घंटा का अंतर है ना, तो 6 घंटा का अंतर है। इसका मतलब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 6 घंटा है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हमारे होगा? 6 घंटा हमारे होगा ना, तो 6 घंटा के कितना मिनट हमारी हो जाएगा? आपका अगर 60 से इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना होगा? 360, 360 मिनट हमारे आ जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होती है। एक घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट, यानी 6 घंटे में 6 जगह 36, 36 360 मिनट हो जाती है। अब 360 मिनट होती है तो एक जो मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर जो आपकी होती है ना, एक देशांतर जो आपकी होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है। यानी अगर 360 मिनट कितने के बराबर होगी? तो 9 चौके 36 यानी 90 मिनट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपका 82.5, 1/2 दिया हुआ है, इसको हम प्लस कर देंगे 90। 90 अगर प्लस करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगी? जगह के 2 और 8 और 8 16, 1 17, यानी 72.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी देशांतर। तो कुछ इस तरह से काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इसको समझ लीजिए। जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि था तो एक स्थान पर सुबह के 6 बजे उस समय की स्थिति जिस देशांतर पर रहेगा क्या है? आपका जो अर्ध मानक समय पर बोल रहा है, मानक समय होती है कितना? 82.5 डिग्री होती है। 82.5 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? 12 बज रहा है, कारण सुबह के 6 बजे था, 6 बजे और इसके बीच में कितना का अंतर? 6 घंटा का अंतर। 6 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में कितनी, एक देशांतर में कितने मिनट? 4 मिनट, यानी 360 मिनट में कितने देशांतर? 90 देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर होगा ना। और उसके बाद 82 डिग्री, 82.5 डिग्री में उसको जोड़ देंगे तो हमारे आ जाएगा 172, इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। तो हमारा दिया हुआ कि यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है तो 120 डिग्री, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो हम इसको देखते हैं कि यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा, यानी 82.5 डिग्री का मान जो दिया हुआ है, 1/2 82.5 डिग्री का मान दिया हुआ है, दोपहर 12 बजे, ठीक है। अब 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री को हम क्या करते हैं, 82 में इसको 1/2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 82 और 8 90, यानी 10 18 और 18 यानी 38, 38 में से आधा गया तो यानी
37 1/2 आ जाएगा। आप इसको क्या करते हैं, 2.5, आप 37.5 है। अब एक डिग्री में 4 मिनट होती है, यानी 4 से जो गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर क्या, अगर इसको हम 5 मान लेते हैं तो 5 चौके 20 और 7 5 के 7 चौके 28 से 2 30 के 0 बाकी हाथ में 3 और 3 चौके 12 13 14 1 15 यानी लगभग 150, लगभग 150। अब इसको इतना मिनट आया, इसको 60 से क्या करते हैं डिविजिबल कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 के 15 यानी लगभग 2.5 घंटा। अब 12 में हम 2.5 घंटों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 और 12 13 14 यानी 14 अनुपात 30 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कुछ निकाल सकते हो। पहले अगर डिग्री में दिया हुआ है तो पहले क्या करो, सारे 82 डिग्री में से घटा दो क्योंकि 82 डिग्री का मान दिया हुआ है, और उसके बाद उसको से जितना डिग्री आया उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मिनट मिनट में उसको कर दो, और फिर कुछ इस तरह से ऐसा करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यम रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कहलाता है? 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया था कि भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन बीच मध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटा पाया जाता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भारतीय मानक समय जो है वो आपका 82.5 डिग्री ना है, 82.5 डिग्री है और 4 मिनट क्या है सबसे आगे है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 330 आएगा, और इसको 60 से जब भागा दोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 11 यानी लगभग 5.5 घंटा आगे। सिंपल। हमारे क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? तो 68.7 डिग्री मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पश्चिम बिंदु है, पश्चिम जो आपका हो जाती है जो कि पूरब में ही आती है उसको हम लोग पूरब ही लिखते हैं मतलब बेस्ट लिखते हैं। तो आपका जो ये देखिए ईस्ट होती है ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट होती है जाकर आपको गुजरात वाली एरिया में, पूर्वी देशांतर में होती है यानी पूर्वी गुजरात में हो जाती है। तो 68 डिग्री डी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपके जो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। हम भारत के कुछ दूरस्थ बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात माइंड में हम क्लियर ये कर लेते हैं कि भारत के जो दक्षिण में है वो आपका तमिलनाडु है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है, भारत के पूरब में मतलब ईस्ट साइड में आपका सबसे पूरब में कौन है, आपका अरुणाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश आपका यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश वहाँ है। भारत के अगर उत्तरी उत्तर की बात करें तो आपका उत्तर में लद्दाख है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर है जो हाल ही में बंट गया है, एक तो हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि शासित प्रदेश में आपका वो दोनों आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आ जाती है जो कि अब दोनों में दोनों बंट गई है। और आपका जो पश्चिम वाले एरिया में है वो आप देख लीजिए, ये गुजरात है, पश्चिम वाला एरिया है वो एकदम गुजरात है। ऐसा कई लोगों को लगता है कि वो सॉरी राजस्थान यहाँ पे है ना, तो राजस्थान नहीं है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं। आपका गुजरात जो है वह सबसे पश्चिम वाले एरिया में है। भारत के कुछ और भी लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत के पूरब में क्या है आपका, भारत के पूरब में आपका बालांगू है, और कभी कभी पूछ जाते हैं कि वीथू है, जो आपका बालांगू है वो 97 डिग्री 1 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर है, और जो कि वीथू है वो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मौजूद है। तो आप इसको पूर्वी देशांतर पर मौजूद है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, भारत के पूरब में आपका किवीथू है और वालांगू है। वालांगू जो है वो 97 डिग्री 1 पूर्वी देशांतर 1 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर है, और जो आपका जो किवीथू जो है आपका सेकंड वाले वो आपका 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मौजूद है। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल में। भारत के अगर दक्षिण बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में मौजूद है। तो कुछ इस तरह से आपका है। और भारत के अगर हम पश्चिम के बात करें तो वो यहाँ पर हम गुहार मोती के पास है सरक्रिय रेखा मौजूद
सक्रिय पॉइंट मौजूद है जो कि गुजरात में है, गुहार मोती के पास में है। भारत के अगर हम उत्तर की बात करें तो सबसे नॉर्थ में आपका है जहाँ इंदिरा पॉइंट है, कुछ यहाँ पे है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, हम डायरेक्ट पूछ लेती है। जैसे कंप्लीट हो गया आपका, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वलांगू और किबीतू दोनों एक साथ क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, जैसा पूछेगा वैसा टेक आउट करके हो जाइएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को लगले लगले कर लेते हैं, थ्योरी पार्ट करने के बाद ही। भारत के राज्यों पूछ रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों के इंगित करता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी कौन सा इंगित करता है। आपका जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। यहाँ का क्या देता है, असम और राजस्थान गलत, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान गलत, असम और गुजरात गलत, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राइट आंसर। आपका डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ये है ग्रेट निकोबार के पास है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी एकदम यहाँ पे पॉइंट पे है आपका, जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर जो है वो तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में नहीं, केरला में नहीं, लक्षद्वीप में नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आपका जो पूरा दुनिया है ये है, भूमध्य रेखा इक्वेटर आपका ये है और भारत आपका कुछ इस तरह से है। तो आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा के पास है इंदिरा पॉइंट जो है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे पास है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान भूटान नहीं सॉरी भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अच्छा हाँ, भारत के पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है, आपका किबीथू और वलांगू। आपका वलांगू जो है वो 97.1 पूर्वी दशांतर पर स्थित है और किबीथू जो है वो 97.00 पर स्थित है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी स्थान किस राज्य में स्थित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका सी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो आपका मेघालय का नहीं मिलती है, मेघालय आपका यहाँ आ जाती है तो नहीं मिलती है, ए इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, अच्छा कौन से कुछ बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला, अच्छा पश्चिम बंगाल, नागालैंड नहीं लगती है, नागालैंड आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है। तो चलिए इसको थ्योरी के अनुसार हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन हमारे बन जाएगी। सबसे पहले जो हमारे है कि भारत का जो राज्य है वो बाकी देशों के साथ कितने राज्य हैं जो वो शेयर करती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका जो है कितने सारे देश भारत के निकट भारत के सीमाओं से लगती है। तो इधर जो आपका लग जाती है पाकिस्तान जो लग जाती है वो आपका पड़ोसी हो जाती है, आपको तो पता ही है। आपका सबसे पहले तो आपका पाकिस्तान, अच्छा रेड वाला पेन नहीं होता, पाकिस्तान जो है वो आपका लगती है यार, लगता तो है कि अरे ये नहीं कहा चलता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान आपका जो है लगती है, उसके बाद में ऊपर में अफगानिस्तान आपका जो लगती है, उसके बाद में आपका चीन लगती है, नेपाल लगती है और भूटान लगती है, और इधर आपका लगती है म्यांमार लगती है और बांग्लादेश लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी समवर्ती
समवर्ती देश के बारे में अगर हम बात करें समवर्ती देश के बारे में, तो सिर्फ 7 राज्य हैं जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत भारत के साथ लगती है। कौन कौन लगती है? आपका इधर से लगती है आपका पाकिस्तान लगती है, अफगानिस्तान लगती है, फिर चीन लगती है, भूटान लगती है, आपका नेपाल लगती है, फिर उधर से म्यांमार लगती है आपका, फिर उसके बाद में बांग्लादेश लगती है, और कोई छूटा क्या? इतना सारा 7 राज्य लग गया। और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, आपका जो मालदीव है वो भी ऐड हो जाएगा, और आपका जो है श्रीलंका जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अगर पड़ोसी देश की अगर बात करें तो उसमें 2 और ऐड हो जाती है, पश्चिम श्रीलंका हो जाती है और आपका हो जाती है जाकर के मालदीव हो जाती है पड़ोसी के मामले में। और अगर हम बात करें कि जो भारत है वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है वो भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कुछ इस तरह से, आपका जो है वो इतना शेयर करती है। और सबसे कम बॉर्डर शेयर करती है भारत किस देश के साथ? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर जो है अपने बॉर्डर को शेयर करती है। तो ज्यादा और कम कंफ्यूजन दूर हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे बात आता है कि जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, जो कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि पूरे देश के साथ, मतलब जितने 7 समवर्ती देश हैं और उन सब के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जो कि शेयर अपने बॉर्डर को करते हैं? तो 17 राज्य हैं जो कि भारत अपने, भारत के राज्य बाकी देशों के साथ 17 राज्य एकदम एकदम कोलैप करती है, एकदम सती बॉर्डर शेयर करती है। अच्छा चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका और आते हैं कि बोलता है ना कि बांग्लादेश के साथ आपका कौन कौन सा राज्य लगती है, तो भारत के बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य लगती है इधर से? सबसे पहले तो आपका पश्चिम पश्चिम बंगाल लगती है, जो कि कुछ इस तरह से आपका हो जाती है, पश्चिम बंगाल लगती है। फिर आपका उधर से लगती है, फिर आपका यहाँ से लगती है आपका त्रिपुरा लगती है, फिर आपका लगती है मिजोरम जो लगती है यहाँ पर मिजोरम आपका, फिर आपका लगती है असम है जो कि यहाँ से लगती है और यहाँ आती है, और इधर यहाँ पे मेघालय आपका जो मेघालय लगती है, और उसके बाद मणिपुर लगती है, मणिपुर सॉरी मणिपुर नहीं लगती है आपका, मेघालय लगती है और असम लगती है, मिजोरम लगती है, त्रिपुरा बांग्लादेश। अब ध्यान से देख लीजिए भारत में, भारत भारत बांग्लादेश जो है वो किन किन राज्यों के साथ? पहला तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका आ जाती है जाकर के असम आ जाती है, पश्चिम पश्चिम बंगाल असम आ जाती है, उसके बाद में आपका आती है मेघालय आ जाती है, त्रिपुरा आ जाती है, उसके बाद में मेघालय आ जाती है आपकी, बस इतने सारे देश लगती है और कोई नहीं। मणिपुर और मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड ये दोनों साथ, ये दोनों बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, कंफ्यूज नहीं हो जाए हो जाइएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके लिए आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ। मणिपुर और नागालैंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो आप ऐसे सोचिए कि बांग्लादेश में क्या रहती है, पहले तो देखेंगे। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रहती है, टाइगर यानी बाघ, चीता। तो चीता क्या करती है कि जो बांग्लादेश है जो उसमें चीता रहती है, और जो तब और उससे कौन कौन दूर है? एक तो मणिपुर है, दूसरा नागालैंड है। तो मणिपुर मतलब मणि वाला सांप से, मणि वाला नाग टाइगर से दूर रहती है, मणि वाला नाग टाइगर से दूर रहती है। टाइगर में बांग्लादेश, और मणि वाला नाग मान मणिपुर, और नाग मतलब नागालैंड, मणिपुर वाला टाइगर से मणिपुर वाला नाग दूर रहती है। तो आप कुछ इस तरह से आपको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आपका जो मेघालय है ना, जो सिर्फ एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो करती है आपका बांग्लादेश से, ये सिर्फ करती है बस, उसके बाद कोई नहीं। अच्छा नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करती है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद में आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और असम हो जाएगा। 4 राज्य है जो कि बांग्लादेश के भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो है आपका सिक्किम है, दूसरा आपका यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाती है, मेघालय तो आपका यहाँ होते, पश्चिम बंगाल आपका हो जाती है, उसके बाद में सिक्किम हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश हो जाती है। तो इतने 4 राज्य हैं जो कि सिक्किम के साथ अति भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आपसे पूछता है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश मतलब कौन ऐसा राज्य है जो कि 3 3
तीन देश के साथ अपना संबंध अपने बॉर्डर को शेयर करती है, तो वो हो जाएगा राइट आपका बांग्लादेश जो है और आपका जो सिक्किम है, वो तीन देश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश आपका यहाँ, तो सबसे पहले तो आपका बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल जो है वो आपका तीन देश से बॉर्डर शेयर करती है। पहला तो करती है बांग्लादेश से, दूसरा आपका करती है किससे, नेपाल से, और तीसरा करती है भूटान से। और सिक्किम जो है वो भी तीन गो से करती है, एक तो भूटान से करती है, दूसरा नेपाल से करती है, और ऊपर में चीन से करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम है जो तीन राज्य से करती है, चीन, नेपाल, भूटान, और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश नहीं सॉरी बंगाल जो है वो तीन देश से करती है, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। हो गया। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचती है वो बचती है कि म्यांमार किससे करती है, तो म्यांमार आपका करती है अरुणाचल प्रदेश से करती है, आपका नागालैंड से करती है, आपका मणिपुर से करती है, और आपका मिजोरम से करती है, चार राज्य से करती है। तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, एंड बाकी हमारे कुछ पॉइंट नहीं बचे हैं। एक चीज मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दिया कि जो मेघालय है वो सिर्फ एक देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर दी है, सिर्फ बांग्लादेश से कर दी है, और बाकी म्यांमार के बारे में बता दिया। और दो आपका जो है वो श्रीलंका और मालदीव जो है वो भारत के पड़ोसी देश के लिस्ट में है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए अब हम इसके ऊपर थ्योरी कम्प्लीट हमारी हो गई, और चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके ऊपर क्या क्या हमारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं भी पहली पहली बार देख रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने ही थ्योरी कंप्लीट हुई है, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन हमारे क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो मेघालय आपका लगती है, त्रिपुरा जो है आपका लगती है, मणिपुर जो है आपका, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर आपका जो उधर है, मेघालय जो आपका इधर है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगती है, आपका जो मणिपुर है और नागालैंड, मैंने आपको बताया था कि मणि वाला नाग है जो वो टाइगर से दूर रहती है, तो आपका मणिपुर इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल लगती है, नागालैंड आपका नहीं लगती, गलत हो गया, नागालैंड लगती है, सॉरी नागालैंड कैसे लगेगा, मेघालय आपका जो है वो लगता है, मेघालय जो आपका लगती है ना पश्चिम बांग्लादेश से, और आपका असम जो है वो भी लगती है, एंड पश्चिम बंगाल है वो भी लगती है, त्रिपुरा है वो भी लगती है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। अच्छा, भूटान के साथ नहीं लगने के लिए बोल आ रहा, तो भूटान से सिर्फ चार देश लगते हैं, कौन कौन लगते हैं, पांच देश। भूटान से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश लगते हैं उधर से, और फिर असम लगती है आपका, और पश्चिम बंगाल लगती है, और सिक्किम लगती है। तो इसमें कौन कौन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो आपका जो है मेघालय है, मेघालय है वो, हाँ मेघालय जो नहीं लगती है ना भूटान से, मेघालय तो आपका ऑप्शन नंबर, हाँ निम्नलिखित में से, सॉरी बांग्लादेश वाले बना दिए, में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती, सिक्किम आपका लगती है, मेघालय आपका कौन से, मेघालय आपका भूटान से नहीं लगती, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऊपर से आ जाते हैं तो नहीं लगती है, यानी करेक्ट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश होती है, अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो नागालैंड आपका लगती है, असम आपका लगती है, अरुणाचल प्रदेश आपका लगती है, असम जो है आपका नहीं लगती है ना, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश उधर से आ जाती है, तो असम इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाती है, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन नहीं लगाती है, आपका जो असम लगाती है, नागालैंड आपका नहीं लगाती है, मेघालय आपका लगाती है, मिजोरम आपका, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाती, तो असम लगाती है, नागालैंड लगाती है, मेघालय भी आपका असम भी लगाती है, और नागालैंड, यार नागालैंड कैसे लगाएगा, बांग्लादेश के साथ नागालैंड तो नहीं लगाती है ना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगा, ओ सॉरी म्यांमार बोला था ना, लगता है कि कौन कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगा देते, वो तो अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, नागालैंड आपका लगती है, अरुणाचल प्रदेश आपका लगती है, मिजोरम आपका लगती है,
और आपका असम जो है वो नहीं लगती है, असम से उधर अरुणाचल प्रदेश हो जाती है तो नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाती है? तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन आपका नहीं लगाती है, तो आपका बांग्लादेश के साथ आपका आपका जो है असम है वो लगाती है, नागालैंड है जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगाती है, नागालैंड मैंने बोला था कि नाग वाला मणि है जो टाइगर से दूर रहती है, नहीं नागालैंड इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाती है? तो पश्चिम बंगाल है वो 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करती है। भारत भारत का वह राज्य जिसकी सीमा तीन देश नेपाल भूटान और चीन से लगती है, नेपाल भूटान और चीन से, तो वो एक ही देश है सिर्फ चीन है, चीन नहीं सॉरी वो कौन है, अरे यार कहाँ चल गया, वो सिर्फ है सिक्किम आपका। हाँ भारत का वह कौन सा राज्य जो तीन और जो बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। कार्य रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? कार्य रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आपका गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, आपका जो है मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। यानी 1 2 4 1 2 4 यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाए। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कि नहीं है, एक क्वेश्चन और बचते हैं कि भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत का सबसे सबसे अंतिम उत्तरी, और कौन है हमारे तो हो जाती है जा के उत्तरी सबसे हो जाती है जो हमारे हो जाएगा वो जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे अलग हुए हैं वो हमारे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारे हो जाएगा लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। तो आज का थ्योरी सेक्शन एंड इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, काफी लंबा वीडियो रहा तो मैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं तहे दिल से आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और बाकी कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड बाकी आप क्या चीज़ मुझसे जानना चाहते हैं, क्या चीज़ मुझसे पढ़ना चाहते हैं वैसे उसके लिए आप नीचे कमेंट करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।